दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है चाइना में बनी हुई हर एक चीज सस्ती की होती है, चाहे वो खिलौने हो या चीन में बने हुए मोबाइल हो, हर एक चीज सस्ती की होती है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक की अधिकतर चीजों में आपने देखा होगा मेड इन चाइना लिखा होता है, यानी कि ये सारा सामान चाइना से बनकर न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भेजा जाता है। चाइना की बनी ये सारी चीजें नॉर्मल देशों में बनने वाली चीजों के मुकाबले काफी सस्ती होती है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसे खरीद लेते हैं और यही कारण है कि आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चाइना इस मुकाम पर कैसे पहुंचा और क्या कोई और देश इस तरह की सफलता हासिल कर पाएगा। तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया की चीजों की कॉपी बनाकर चीन आज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और ये सब कुछ जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि जब साल 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो लगभग पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें सबसे पहला नाम चाइना का आता है क्योंकि यहां से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला था। और जब चाइना में सारा काम ठप पड़ गया तो पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में काफी दिक्कत आने लगी, क्योंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले अहम कंपोनेंट चाइना से ही मंगवाए जाते थे। और तब लोगों को समझ में आया कि चाइना ने किस तरह पूरी दुनिया के मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है। यही कारण है कि चाइना को आज द वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चाइना से दुनिया भर में सामान इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि खुद के देश में बनाए गए सामान से वो काफी सस्ते पड़ते हैं, वो भी टैक्स लगने के बावजूद। यानी चाइना बहुत ही कम पैसों में अपना सामान दुनिया को बेचता है, इसलिए लोग इसे मैन्युफैक्चर करने की जगह चाइना से इंपोर्ट करने में अपनी भलाई समझते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या चाइना इन सभी चीजों को इतने सस्ते में कैसे बनाता है? क्योंकि अगर यही चीजें हम हमारे देश में बनाएं तो उसकी लागत बहुत ही ज्यादा लग जाएगी और फिर मार्केटिंग सेल्स वगैरह में जो खर्चा लगेगा सो अलग, जिस वजह से प्रोडक्ट्स का प्राइस चाइना से बनकर आए प्रोडक्ट्स के मुकाबले दोगुना ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, चाइना का माल सस्ता होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग कारण हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये जानते ही होंगे कि जनसंख्या के मामले में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां आज के समय में चाइना की कुल जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। और अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर जनसंख्या इतनी बड़ी है तो हर कोई करोड़पति होगा नहीं, कुछ गरीब लोग भी होंगे, इसलिए यहाँ पर लेबर्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखेंगे और इनकी संख्या डिमांड से ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले लेबर बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में बनेगा उसकी लेबर कॉस्ट चाइना में बनने वाले प्रोडक्ट के मुकाबले कई गुना होगी, क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ काम करने वाले लेबर को ज्यादा पैसा देता है। और जब प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी तो अमेरिका का प्रोडक्ट भी महंगा मिलेगा, लेकिन चाइना की लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है। वैसे ये केवल अकेली एक वजह नहीं है कि चाइना का सामान सस्ता होता है, क्योंकि ये न सिर्फ जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है बल्कि एरिया के मामले में चौथे नंबर पर आता है। और अंदाजे के लिए आप ये समझ लेना कि हमारे भारत में जितना एरिया कवर होता है उसका तीन गुना ज्यादा एरिया चाइना में मौजूद है, जिस वजह से चाइना अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बड़े आराम से लगा सकता है ताकि यहाँ पर ज्यादा संख्या में काम किया जा सके। इसके अलावा चाइना में प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब ये सारी चीजें तो चाइना के प्रोडक्ट को सस्ता बनाती ही हैं, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट का सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है चाइना की स्ट्रेटजी। जी हाँ, चाइना हमेशा अपना सामान बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बनाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और यही सारी चीजें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत कब और कहां से हुई। क्योंकि 1960 से पहले चाइना की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हुआ करती थी, पर फिर वहां की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने में स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और फिर चाइना ने पहली बार काफी भारी मात्रा में पूरी दुनिया में स्टील एक्सपोर्ट किया। यहीं से चाइना को समझ में आ गया कि अगर उसे अपने देश की गरीबी को खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी,
और फिर चाइना ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का प्रस्ताव दिया, जहां पर चाइना ने विदेशी कंपनियों को ये लालच दिया अगर वो उनके देश में आते हैं तो चाइना उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल और प्लांट लगाने के लिए जगह और हद से ज्यादा सस्ते लेबर प्रोवाइड करेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1980 में चीन के एक वर्कर का सालाना वेतन एक अमेरिकी वर्कर से 40 से 50 गुना कम हुआ करता था। इन्हीं सब चीजों के लालच में आकर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने चाइना में आकर अपना प्लांट लगाना शुरू किया और यहाँ के लेबर को अपना काम सिखाना भी शुरू किया। और कुछ ही सालों में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने सस्ते रॉ मटेरियल, सस्ते लेबर और बड़े लैंड एरिया की वजह से चाइना में अपना प्लांट लगाया और आज देखते ही देखते चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया चाइना की दूरदर्शी सोच की वजह से, क्योंकि चाइना को पता था कि आने वाले टाइम में जितनी भी प्लास्टिक वगैरह की नॉर्मल चीजें हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही भारी मात्रा में होने वाला है, प्लस टेक्नोलॉजी भी अपना विस्तार करेगी। इसलिए अगर सारी कंपनियों को यहीं पर लाकर यहीं से काम करवाना शुरू कर दिया जाए तो बैठे बैठाए उनका मुनाफा होने लगेगा। यही सब कारण है कि आज चाइना इतनी बुलंदियों पर है। और जब तक कोई देश इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाता है तब तक उसका चाइना को टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।